अरे पर क्या ठीक नहीं हुआ राजवैद्य जी, कुछ बताएंगे? यही कि हम भोजन ग्रहण कर रहे थे, आधे भोजन से उठाकर हमें यहाँ लाया गया। यदि कुछ समय पश्चात भी लेकर आते तो कुछ नहीं बदलता। क्या नहीं बदलता राजवैद्य जी, क्या हुआ है शारदा देवी को? महाराज, वही जो विवाह के पश्चात हर स्त्री को होता है। शारदा देवी जी पेट से है। वो तो सभी स्त्री पेट से होती है। मामी, गुरुवार? नहीं, हम हमारा कहने का तात्पर्य है कि सभी स्त्रियों को पेट होता है। हम तो ये पूछ रहे हैं कि आपने अच्छे से निष्कर्षण किया है ना वैद्यराज जी? ये ठीक नहीं हुआ। राजवैद्य हम हैं या आप हैं? हम पर संदेह कर रहे हैं? नहीं, हम संदेह नहीं कर रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि कहीं और कोई बीमारी या कोई अस्वस्थता तो नहीं है ना शारदा देवी को? नहीं, सब ठीक है। शारदा देवी जी स्वस्थ हैं, पीठ से हैं और माँ बनने वाली हैं। अद्भुत अद्भुत राजवैद्य जी, इस बात का तो हमें ज्ञात था, इसलिए शारदा देवी की गोद भराई की रस्म का आयोजन किया था हमने। हाँ हाँ, हम भी तो यही कह रहे थे कि आशीर्वाद लेने के लिए झुकना अच्छा नहीं है। मत झुकी, पेट से हैं आप तो ऐसी स्थिति में झुकना अच्छा नहीं होता है। गुरुवार आप ये कहने वाले थे? हाँ, हमारा यही तो हम कहना चाह रहे थे। अरे रामा, कितनी अनोखी है तेरी कहानी कि हर घड़ी सीधे मार्ग पर चलते चलते फंस जाता है और जब बड़ी कठिनाई में फंसता है तो यूं ही चलते चलते निकल भी जाता है। हाँ बंधु, ये उस माँ की कृपा है, वो सब जानती है। वो जानती है कि जो गलत फहमी पैदा हुई उसमें मेरी और शारदा की मंशा गलत नहीं थी। उसने मेरा घर, मेरा सम्मान और मेरी अम्मा की खुशियों को बिखरने से बचा लिया। ये है उस माँ का आशीर्वाद जो हम मनुष्यों की सोच और समझ सबसे परे है। हाँ अम्मा, ये आप क्या कर रहे हैं? तू पूछनीय है, वंदनीय है, तेरा नमस्कार करके मुझे तेरा अभिनंदन करने दे। अम्मा, हम पूछनीय है? तू स्त्री है, स्त्री माँ का रूप होती है। रामा ने तुझे केवल एक हल्दी में लिपटा हुआ धागा पहनाया और तू अपने माता पिता, घर परिवार, बाल्यकाल के सखी संबंधी, हर वो वस्तु जो तुझे प्रिय थी उसे त्याग कर मेरे घर चली आई। क्या हल्दी में लिपटा हुआ ये धागा तेरे त्याग का मूल्य हो सकता है? नहीं शारदा, तेरी कोख में मेरे वंश का पुष्प उत्पन्न हो रहा है, इसलिए तू पूजनीय है। अम्मा, आपने एक पराई कन्या को अपनाया, उसे सम्मान दिया, अभी भी हमें अपने माता पिता का स्मरण नहीं होने दिया।
पूछनी है तो आप हैं। हमें आपके चरण स्पर्श करके आपका आशीर्वाद लेना चाहिए। तो छू चरण, चरण छू कर आशीर्वाद ले। हाँ माँ। इतनी प्रातः काल क्यों उठी है? वो क्या है ना अम्मा, रामा को अल्पाहार में मेंदू वड़ा खाना है, वो भी नारियल की चटनी के साथ। कल रात हमने दाल भिगो कर रख दी थी, अब अभी स्नान करके दिया जलाकर हम जाकर दाल पीस देंगे, नहीं तो उठ के कहेंगे कहाँ है हमारे मेंदू वड़े। उठा लो। हा? क्या उठा ले अम्मा? रामा को उठा लो। रामा कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? किधर है? कौन है? कौन है? कौन है? कहाँ है? अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला-चिल्लाकर मुझे प्रातःकाल में उठा दिया है? कौन सी विपदा आ गई? आकाश टूटकर धरती पर गिर गया क्या? शब्द हमारे हैं, परंतु आदेश तो अम्मा का था ना। अम्मेश्वरी तुम मुझे बताओ कौन तुम्हें कष्ट दे रहा है? मेरा डंडा उसे पाठ पढ़ाएगा। हम अरे मेरे शूरवीर, डंडा तो ऐसे पकड़ा है जैसे कोई योद्धा हो। डंडा चलाना भी आता है? आता है आता है, जब आवश्यकता पड़ेगी ना तब देख लेना। ये बताओ मुझे उठाया क्यों? मेंदू वड़ा खाना है। हाँ। नारियल की चटनी के साथ। पर पहले मेरे स्नान के लिए तुम जल गर्म कर दो, तत्पश्चात मैं खाऊंगा। क्या क्या हुआ अम्मा? नालायक लज्जा नहीं आती तुझे? शारदा गर्भवती है और तू उसे जल गर्म करने के लिए कह रहा है? शारदा आज से कोई कार्य नहीं करेगी। हे? कोई कार्य नहीं करेगी तो फिर क्या करेगी? विश्राम, और शारदा के सारे कार्य तू करेगा। परंतु अम्मा, स्नान करने के पश्चात रसोई घर में जाकर दाल पीस। परंतु अम्मा मैं। तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? सुन लिया, पर मेरी बात तो सुनो। मैं दाल तो पीस लूंगा किंतु मेदू वड़ा कौन बनाएगा? मुझे तो मेदू वड़ा बनाने आते नहीं है। और बेचारे गुंडप्पे का भी तो सोचो, वो तो बालक है, वो तो भूखा रह जाएगा ना। मैं बना दूंगी। शारदा बनाएगी? नहीं हम नहीं, अम्मा बनाएंगी। अच्छा तुम बनाओगी? हाँ। पर तुझे मेरी सहायता करनी पड़ेगी, सुना? हाँ हाँ हाँ, सुन लिया, कर दूंगा सहायता। जाकर स्नान कर और रसोई में जाकर दाल पीस। हाँ हाँ, जाता हूँ। गर्भवती शारदा है और सारे कष्ट मुझे उठाने पड़ रहे हैं। माँ, कुछ कहा इन्होंने? नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। अम्मा, गए। क्या बात है महाराज, क्या आप पंडित रामकृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं? नहीं महामंत्री जी। क्षमा कीजिए महामंत्री जी, परंतु महाराज पंडित रामकृष्ण की प्रतीक्षा क्यों करने लगे? जी नहीं गुरुवर, हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे। अच्छा, आपने ऐसे पूछा ही क्यों? पंडित रामकृष्ण का क्या इतना महत्व है? विजयनगर सम्राट महाराज कृष्णदेव राय पंडित रामकृष्ण जैसे व्यक्ति की प्रतीक्षा करेंगे? जी नहीं गुरुवर, मेरा मंत्री जी, वैसे पंडित रामकृष्ण आए क्यों नहीं अब तक? हमें ज्ञात नहीं है महाराज, परंतु आप चिंतित ना हो, हम अभी दूत को भेजकर ये पता करवाते हैं कि बात क्या है। महाराज आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं कि पंडित रामकृष्ण सदैव दरबार में विलंब से आते हैं, और उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे दरबार में उपस्थित होकर वो हम सब पर बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। महाराज आप चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। हम चिंतित नहीं है महामंत्री जी, हम तो केवल प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारी छोटी महारानी तिरुमलम्बा की। उन्होंने कहा था वो हमसे रात दरबार में भेंट करके हमें कुछ विशेष देना चाहती है। चिंतित नहीं है, प्रतीक्षा कर रहे हैं।
उचित है महाराज, तो हम भी करते हैं। चिंता? नहीं नहीं महाराज, प्रतीक्षा। हमारी माता महारानी तिरुमलम्बा की, महारानी तिरुमलम्बा की, महारानी तिरुमलम्बा की, महारानी तिरुमलम्बा की, महारानी तिरुमलम्बा की। महाराज, प्रतीत होता है छोटी रानी आपके लिए जंगली पुष्पों का शरबत बनाकर लाई है, और उसकी प्रस्तुतीकरण को ध्यान में रखते हुए फूलदान में लेकर आए हैं। हम तो हमेशा रात दरबार में जंगली शरबत पिलाने की क्या आवश्यकता थी, पिलाना ही होता तो हमारे कक्ष में पिला देती। प्रतीत होता है ये कोई विशेष शरबत है जो आपके साथ साथ आपके दरबारियों को भी पीना पड़े। फिर तो आज सभी के प्राण संकट में है। प्रणाम महाराज। प्रणाम प्रणाम, परंतु हम कोई शरबत ग्रहण नहीं करेंगे, केवल हमारे रात दरबारी ग्रहण करेंगे। महाराज, अर्थात ये शरबत कोई भी ग्रहण नहीं करेगा। बच गए देने शरबत, परंतु महाराज आपको शरबत पीने को कौन कह रहा है? आप ही ने हमसे कहा था कि आप हमारे राज दरबार में आकर हमें कुछ विशेष देना चाहती हैं। महाराज, हमारी पायल खो गई थी। पायल खो गई? धनी वानी वहां ढूंढो। गुरुवर जी। महाराज क्या कर रहे हैं? महाराज वो छोटी महारानी जी की पायल ढूंढ रहे हैं। यहाँ? गुरुवर, हमारी पायल दरबार में नहीं, हमारे कक्ष में खो गई थी। हैं? हमें लगा। अच्छा ठीक है, अब जाइए आप अपने कक्ष में ढूंढिए, जहाँ खोई है वहीं मिलेगी। गुरुवर, हमारी पायल हमें मिल चुकी है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुआ, अन्यथा हम ध्यान मगन होकर अपनी दिव्य शक्ति से आपकी पायल ढूंढने वाले थे। गुरुवर जी। महाराज आप अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए। धन्यवाद महाराज। महारानी, यदि आपकी पायल मिल गई है तो फिर दरबार में आने का कष्ट क्यों किया आपने? महाराज, हमें आपको कुछ विशेष प्रदान करना है। विशेष? बताइए क्या। महाराज, जब हम पायल ढूंढ रहे थे ना, तो ढूंढते ढूंढते हमें ये तीन फूलदान मिले। अत्यंत आकर्षक है ये फूलदान। आप एक कार्य कीजिए, इनमें पौधे लगाकर अपने कक्ष में रख दीजिए। महाराज, हम भी यही सोच रहे थे कि इनमें हम ना हरी मिर्च का पौधा लगाएंगे। हरी मिर्च का? परंतु महाराज, हमें इस पात्र के अंदर से एक पत्र मिला है। ये लीजिए महाराज, पढ़िए। महाराज, ये दुर्लभ फूलदान पार्श्व प्रदेश के महाराज दर्योश ने तुलुआ वंश के सरदार तुलुआ ईश्वरा नायका को उनके अद्भुत पराक्रम के लिए उपहार स्वरूप प्रदान किए हैं। ये फूलदान चमत्कारी है। जिस किसी भी राज्य में ये होंगे, उस राज्य का विस्तार होगा, उस राज्य का राजा शीघ्र ही चक्रवर्ती राजा बन जाएगा। तुलुआ ईश्वरा नायका हमारे पूर्वज थे, और उनके सुपुत्र अर्थात हमारे पूर्व महाराज तुलुआ नरसा नायका, वो भी विजयनगर राज्य के महाराज रह चुके हैं। अर्थात ये फूलदान सच में चमत्कारी है। महाराज, ये फूलदान जिस राज्य में भी होंगे, उस राज्य का विस्तार होगा, वहां का राजा शीघ्र ही चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा। वाह, चमत्कारी! वाह वाह, क्या संजोग है महाराज। महाराज, गत रात्रि हमने स्वप्न में देखा कि हम
जम्बू द्वीप के सभी राज्यों के राजगुरुओं के गुरु अर्थात महागुरु है। गुरु और आप? हाँ महाराज। नहीं महाराज, आप महाराज। हमने देखा कि आप जम्बू द्वीप के अधिपति हैं और हम महागुरु हैं। और आज भगवान शिव ने हमारा स्वप्न साकार कर दिया महाराज। महाराज इन अत्यंत बहुमूल्य और चमत्कारी फूलदानों को आप हमें सौंप दीजिए। हम इन्हें पूजा के स्थल पर रखेंगे और नित्य नित्य इनका अभिषेक करेंगे, इनकी पूजा करेंगे। महाराज आप इन चमत्कारी फूलदानों को हमें सौंप दीजिए। हम इन्हें सुरक्षित स्थान पर रख देंगे। महाराज ये फूलदान तो हमने खोजे है ना, तो आप इनकी सुरक्षा का दायित्व हमें प्रदान कीजिए महाराज। महाराज ये फूलदान अति मूल्यवान है और ये राज्य की धरोहर है, इसके सुरक्षा और देखरेख का दायित्व आप हमें दे महाराज। नहीं, ये फूलदान अत्यंत बहुमूल्य, ये हमारे कक्ष में रहेंगे। ये हमें हमारे लक्ष्य अर्थात चक्रवर्ती सम्राट बनने का स्मरण कराते रहेंगे। कोतवाल जी महाराज, प्रबंध किया जाए इन फूलदानों को हमारे कक्ष में पहुंचाने का। जो आज्ञा महाराज। ये दाल नहीं रसम है। अरे याद है मुझे दाल देना अल्ताद और दाल दे पात्र में। अच्छा और रसम चाहिए, ये ले ये ले। नहीं आप खाना परोसते हुए कितने अच्छे लगते हैं। हमें थोड़ा और मेदू बड़ा चाहिए। क्या शारदा, अभी तो तुम्हें मेदू बड़ा दे रहा था, तब तो तुमने मना कर दिया। परंतु अब हमें और चाहिए। अच्छा ठीक है लाता हूँ। और थोड़ा घी भी लेके आना, बिना घी के आनंद नहीं आता। लामा मेरे लिए जल लेते आना। हाँ हाँ ला रहा हूँ। ये सब होने के बाद तू भी खाने के लिए बैठ जा, मुझे दरबार जाने में देर हो रही है ना। ओ अम्मा धन्यवाद, मेरे विषय में भी सोचा। और सुनिए दरबार जाने से पहले हमारे लिए घर की सामग्री ले आना। हा? नहीं नहीं वो सब संध्या के समय महाराज दरबार में प्रतीक्षा कर रहे होंगे। नहीं पहले घर की सामग्री लेकर आनी, मुझे शारदा के लिए पंजीरी बनानी है। परंतु अम्मा। अम्मा धंधा दू। चुप कर, तेरा नाम गुंडप्पा किसने रखा, गुंडा होना चाहिए था गुंडा। ला रहा हूँ सर्वप्रथम सामग्री लाऊंगा, तत्पश्चात दरबार जाऊंगा। ये शारदा की गर्भावस्था मेरी अवस्था खराब कर देगी। माँ कुछ कह रहे हैं? मैं नहीं 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 कुछ नहीं बोला, मैं मेदू वड़ा लेकर आता हूँ। लाता हूँ। कोतवाल! एक कोतवाल ये क्या अनर्थ कर दिया? कोतवाल इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। मां मंत्री जी। महाराज कोतवाल को कारागृह में डाल दिया जाए और कल प्रातःकाल फांसी पर लटका दिया जाए। अरे अमीने महाराज, इधर छोटे छोटे बच्चे हैं महाराज, ऐसा अनर्थ में कीजिए महाराज। महामंत्री जी हमारे आदेश का पालन किया जाए। जो आज्ञा महाराज। सिपाहियों अरे 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 क्या नर्क हो गया, अरे बहुत बुरा नर्क हो गया, अरे खाने जा रहे हो क्या?